This is your EBS class. Today we will read chapter 5, Creepy Crawlies. Among the animals that we see around us every day, which are the ones that scare you the most? Ants, grasshopper, spider, snail, worms, lizard, and snail are some such एनिमल्स. सभी जानवर में से जो हम रोज़ देखते हैं हमारे चारों ओर और वही हमें सबसे ज़्यादा डराते हैं. उसमें से है चींटी, ग्रासहॉपर, मकड़ा, स्नेल, छिपकली आदि जानवर. इंसेक्ट आर स्मॉल क्रिएचर दैट आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस. इंसेक्ट एक छोटा जानवर है जिसे हमारे चारों ओर मिलता है. दे हाइड इन कॉर्नर इन साइड आवर हाउसेस इन गार्डन अंडर द ग्राउंड ऑन ट्रीज एंड इन वाटर. वो छिप कर रहता हमारे घर के कोना में, बगीचा में, जमीन के नीचे, पेड़ पर और पानी में. सम ऑफ देम आर यूजफुल टू अस व्हाइल सम हार्मस. कॉमन इंसेक्ट आर ants, grasshoppers, cockroach, mosquitoes, ladybird and dragonfly. उसमें से कुछ हमारे उपकारी है और कुछ हमें चोट पहुँचाते हैं. जिसमें से कॉमन इंसेक्ट चींटी, grasshopper, तेलचट्टा, मच्छर, ड्रैगन आदि. बॉडी ऑफ इंसेक्ट. All insects have 6 legs. The body of an insect is divided into 3 parts. सभी इंसेक्ट का 6 पैर होता है. इंसेक्ट का शरीर 3 हिस्सों में बांटा जाता है. हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन. The head of an insect has 2 eyes, 2 pillars or एंटीलर. एंटी तो इंसेक्ट के सर पर 2 आँख होता है और 2 सूर होता है एंड ए माउथ एक मुंह होता है. द एंटीना हेल्प द इंसेक्ट टू स्मेल, टेस्ट एंड हियर. वो सूर चींटी को सूंघने में, टेस्ट करने में और सुनने में मदद करते हैं. इंसेक्ट हैव सॉफ्ट बॉडीज एंड नो बोन्स बट हैव ए हार्ड कवरिंग. इन चींटी का शरीर मुलायम होता है, उसमें कोई हड्डियाँ नहीं होते हैं, परंतु एक सख्त चीज़ से ढका हुआ होता है. द पार्ट ऑफ इंसेक्ट बॉडी बिटवीन द नेक एंड बेली इज द थॉरिक्स. पेट और गला के बीच के अंग को थॉरिक्स कहते हैं. The abdomen of an insect contains the heart and organ for breathing and digestion. और उसमें से चींटी एब्डोमेन में दिल और अन्य अंग जो उसे सांस लेने में और खाना पचाने में मदद करता है. आज आप लोग इतना पढ़ाती है, फिर नेक्स्ट दिन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा देंगे. थैंक यू.